अगस्त का है और शायद लोकमत या किसी वहां से आया, बंद कर दीजिए इसको, लेटेस्ट है। तो पत्रकारों के साथ भी न्यायालय ने संज्ञान लिया है, हम इसके ऊपर आ जाएंगे। तो एक तो ये प्रकरण हो गया, और जो प्रकरण आते रहते हैं हमारे संज्ञान में, उसने हमको ये प्रेरणा दी कि हम पत्रकार बंधुओं से थोड़ी सी बातचीत करें मीडिया संवेदनशीलता के बारे में, खासकर बच्चों के संबंध में, महिलाओं के संबंध में, 18 साल से कम के बच्चों के संबंध में रिपोर्टिंग करते वक्त उनको क्या सावधानियां बरतनी है। नेक्स्ट सर, मीडिया की शक्ति को अगर हम देखें ना, तो मीडिया केवल इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो एजुकेशन भी दे रहा है, वो इंस्पिरेशन भी दे रहा है, वो सूचना के साथ साथ शिक्षा भी दे रहा है और प्रेरणा भी दे रहा है। हम अखबार में आए दिन पढ़ सकते हैं, जैसे पैरा ओलंपिक के एथलीट्स की कहानियां हैं, उनको पढ़ के हमको कितनी प्रेरणा मिलती है, और खासकर डिसेबल्ड को भी और एबल्ड बॉडी को तो और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो वो प्रेरणा का भी स्रोत है, सूचना का भी स्रोत है, और बहुत सारी शिक्षा हम मीडिया से या अखबारों से, शब्दावली, लैंग्वेज, दूसरी भिन्न लैंग्वेज, अंग्रेजी का अखबार पढ़ करके भी आप 3-4 हज़ार है सब सीख जाएंगे, जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। तो सूचना के साथ साथ शिक्षा और प्रेरणा का भी वो काम कर रहा है। और आज के ज़माने में मास मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया भी है, जो विशिष्ट दर्शकों में उसकी पैठ है सोशल मीडिया की, और वो ज्ञान के साथ साथ दृष्टिकोण और प्रथाओं में बदलाव लाता है, बहुत सारी हमारी प्रथाओं को एड्रेस करके। अभी देखिए, बीते वर्षों में ओपन फील्ड डेफेकेशन, खुले में शौच करना, सरकार ने इसके लिए अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, अभी और दूसरे नए नामों से कई से, लेकिन जब मीडिया का भी इसको सपोर्ट मिला और उन्होंने जब इसको किया, तो समुदाय में हम कुछ व्यवहारों में परिवर्तन ला पाए और कई गांव ODF फ्री हुए और कई डिस्ट्रिक्ट भी ODF से। तो समुदाय स्तरीय गतिविधियां और पारस्परिक संचार, मास मीडिया के युग में सोशल मीडिया पारस्परिक संचार का बहुत बड़ा टूल है। आप किसी भी समाचार को जन जन तक पहुंचा सकते हैं, पारंपरिक मीडिया से अलग हटके भी आप उसे समुदाय तक, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, है ना। ट्रेंड्स होते हैं, व्यूज होते हैं, सभी लोग समझते हैं। नेक्स्ट, तो सकारात्मक मीडिया क्या हो सकता है, पॉजिटिव मीडिया क्या है? तो उसके उद्देश्य है कि एक तो वो कम्युनिकेशन, संवाद, डायलॉग जनता के और स्टेक होल्डर्स के बीच में, है ना। और मास मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया जब आ जाता है तो एक्सपर्ट्स भी उसमें आते हैं, अपने व्यू देते हैं। तो डायलॉग है, एडवोकेसी है, वकालत करते हैं वो, और एक सामुदायिक लामबंदी की, लोगों को एक एक तरीके से लोगों के व्यवहार में दीर्घकालिक परिवर्तन लाने के लिए उनको एक तरीके से लामबंद करना, समुदाय को एजुकेट करना। ये सभी स्तरों पर हो सकता है, सभी स्तरों पर, जिस भी स्तर पर है, क्योंकि कई जगह वो पॉलिसी नीति निर्धारक लोगों के पास भी हो सकता है, कई जगह कानून लागू करने वाले लोगों के बीच में भी हो सकता है, अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में भी होता है, आम जनता के बीच में भी हो सकता है। इसमें दीर्घकालिक स्थायी व्यवहार परिवर्तन हो सकता है, और इसमें जो सामाजिक मानदंड है हमारे, उनके अंदर हम सकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी आपको, ओपन फील्ड डेफिकेशन है ना, बहुत सारी कुप्रथाएं जो हैं, सती प्रथा का तो अंत हो गया है, दहेज प्रथा भी निचली तरफ थोड़ा सा डिक्लाइन पर है, है ना। कई चीज़ें ऐसी हैं जो रिपोर्ट होने लगी, घरेलू हिंसा एक ऐसा प्रकरण है जिसके अंदर पहले रिपोर्टिंग नहीं थी, लेकिन जब मीडिया ने लोगों को एजुकेट किया तो लोगों को समझ में आया, तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक डोमेन में आने लगे। तो इससे भी दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन और सामाजिक प्रथाओं में, खासकर कुप्रथाओं में, एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है। नेक्स्ट करेंगे सर प्लीज। तो बालकों के प्रकरणों में मीडिया की भूमिका क्या है? सबसे पहली बात यह कि हमको ये मानना है कि उनके पास अधिकार है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चों के अधिकारों को इग्नोर करते हैं, हम बच्चे को तो गिनते ही नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, हम उसके अधिकारों को हम गिनते नहीं हैं। तो वहाँ पर हमको ये मानना है कि इसके पास भी अधिकार है, जितने मानवाधिकार सबके पास हैं, बच्चे के पास भी हैं, और उसके पास थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि वो छोटा है। हमको बाल श्रम को अपने मीडिया से बाल श्रम को हतोत्साहित करना है, बाल विवाह में देरी लाना है ताकि वो विवाह की उच्च आयु को स्वीकार कर लें। खासकर लड़कियों के, नाबालिग लड़कियों के प्रकरणों में हमको उनकी जो लिंग आधारित भूमिकाएं हैं, जो घरेलू कामकाज या जो उनको घर के अंदर रहना, बाहर नहीं निकलना, पहनावा, कार्य, प्रोफेशन क्या करेंगे, इन लिंग आधारित जो स्टीरियोटाइप्स हैं, इनसे बाहर निकल के हमको रिपोर्टिंग करनी है हमको, है ना। बाल संरक्षण में जो अपराध है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो अपराध है, उनका खुलासा करना है, उनकी अच्छे से रिपोर्टिंग भी करना है हमको, जिम्मेदार लोगों को हमको अकाउंटेबल बनाना है उसके अंदर। सकारात्मक अनुशासन और स्कूली शिक्षा बच्चों के संबंध में,
स्कूल की शिक्षा को RTE को प्रोत्साहित करना है और एक सकारात्मक अनुशासन कि बच्चों में अनुशासन रहे, लेकिन वो कोई उनके अधिकारों को कर्टेल करके ना हो। मीडिया गाइड भी कर सकता है और गतिविधियों की निगरानी भी कर सकता है, मीडिया को तो वॉचडॉग कहते हैं, है ना, तो वो निगरानी करेगा कि कहीं कोई कानून का लागू करने वाला लोग, अन्य स्टेक होल्डर या कोई और या कोई मीडिया का साथी कोई ऐसा कार्य न करे जो कानून का विधि का विरोध होने लगे जिसके अंदर और वो प्रॉब्लम में आ जाए, तो उस पर निगरानी करने के लिए। नेक्स्ट करेंगे सर, जो बच्चों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार हैं उनको रोकना है और बच्चों को नुकसान से बचाना है, है ना। कई बार हम कुछ चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं, बाल भिक्षावृत्ति है, बाल श्रम है, या और कोई बच्चों के साथ परिवार के लोगों के द्वारा बच्चों को अनुशासन के नाम पर कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट या स्कूल में देना, तो इन व्यवहारों से बच्चों को बचाना है। इसके लिए हमको एक बाल संरक्षण नेटवर्क सभी जगह रहता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का हर जिले में एक बाल संरक्षण इकाई है, हर जिले में एक बाल कल्याण समिति है, हर जिले में एक किशोर न्याय बोर्ड है और संस्थाएं हैं, काम करने वाले लोग हैं, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं। इस नेटवर्क को सामुदायिक जो नेटवर्क है, समुदाय आधारित कम्युनिटी का जो नेटवर्क है, इसका जो प्रोपोगेशन है वो मीडिया के माध्यम से हो सकता है, मीडिया इसके अंदर प्रोपोगेटिंग एजेंट हो सकता है। इसमें पारंपरिक मीडिया है हमारा, मास मीडिया है जिसके अंदर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक है, और आज की डेट में सोशल मीडिया इसके अंदर बहुत एक्टिव पार्टनर है इसके अंदर। इन इन सारी चीज़ों से, इन सारे संवाद से, इन सारी सूचनाओं से, इस प्रकार के शेयरिंग से, साझा करने से हम परिवर्तन ला सकते हैं। हम बाल अधिकार और परिवार कल्याण की जो नीति है उनको जो बनाने वाले हैं उनको भी हम उसके अंदर, जैसे कुछ समय पहले चाइल्ड लाइन जैसी कोई सेवा नहीं थी 10-20-25 साल पहले या 30 साल पहले, लेकिन इमरजेंसी हेल्पलाइन थी, अपने पास फायर ब्रिगेड का नंबर था, पुलिस का नंबर था, फिर महिला हेल्पलाइन भी आ गई, लेकिन चाइल्ड हेल्पलाइन बाद में इसी प्रकार के लोगों ने सोचा, बच्चों ने सोचा, तब वो आ पाई। तो जो बाल देखभाल करने वाले लोग हैं, जो सामाजिक कार्य में लिप्त हैं, जो शिक्षा में, जो कानून को लागू करने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई SOP बनती है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, कि यानी आपने यदि किसी बाल भिक्षावृत्ति वाले किसी बच्चे को आपने रेस्क्यू किया, आपने बाल श्रम से किसी बच्चे को रेस्क्यू किया, तो उसके अंदर क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, उस SOP को लोगों में साझा करना, समुदाय में साझा करना, उनकी क्षमता का निर्माण करना और ज्ञान को साझा करना, ये मीडिया के जरिए हो सकता है। इस प्रकार की ट्रेनिंग के बजाय अगर किसी सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में मोटी मोटी चार बातें आ जाती हैं तो लोग TV में, न्यूज़ में या अखबार में देख लेते हैं तो वो जहन में बैठ जाती है वो, तो ये मीडिया की भूमिका है। नेक्स्ट करेंगे सर प्लीज़। अब देखिए, बच्चों के साथ जो लैंगिक अपराध है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध। मैं यहाँ बता दूँ, कानून भारत में 18 साल से कम के व्यक्ति को, लड़का हो, लड़की हो या अदर जेंडर हो, जिसने अपना 18 जन्मदिन नहीं मनाया है, उसे हम बालक या बच्चे की श्रेणी में मान रहे हैं। ऐसे बच्चे को हम बच्चा कह सकते हैं, बालक कह सकते हैं, जेंडर न्यूट्रल जिसके अंदर बालक बालिका दोनों शामिल हैं, हम उसको चाइल्ड कह सकते हैं, हम उसको नाबालिग भी कह सकते हैं, है ना, 18 से कम को। तो ऐसे बच्चों के साथ अगर कोई यौन दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ कोई लैंगिक प्रकृति का अपराध होता है, उसकी रिपोर्टिंग करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमको अपराध का, मीडिया ही तो बताएगा जाकर के कि क्या हुआ है, तो हमको अपराध का वर्णन करते समय बहुत सटीक शब्दावली का प्रयोग करना है, डेफिनेट, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। हमको थोड़ा सा लूज भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे हमने कह दिया किसी बालक के साथ लैंगिक संबंध, मेरे को लगता नहीं है कि किसी को सुनने में लगेगा कि इसके अंदर गलती क्या है। इसके अंदर गलती ये है कि हमने लैंगिक संबंध की बात की, संबंध पारस्परिक है, दो लोगों के बीच में है। हमने लिखा नाबालिग के साथ प्रेम संबंध, यहाँ भी प्रेम संबंध म्यूचुअल प्रेम है, है ना, दो लोगों के बीच में प्रेम संबंध है, लव अफेयर है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि स्पष्ट कर दे रहे हैं कि बच्चे के मामले में संबंध या सहमति महत्वहीन है, वो अप्रासंगिक है बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी सहमति को सहमति नहीं माना जाता। 18 साल से बड़े वयस्क को उस प्रकरण में माना जाता है कि उसने उसको मैनिपुलेट किया, उसने उसको बरगलाया, तो वो संबंध नहीं है। अगर हमने अखबार में लिख दिया प्रेम संबंध, तो वो जो नाबालिग लड़का है या जो नाबालिग लड़की है उसकी सहमति उसके अंदर आ गई, लेकिन वो है नहीं, और अगर है भी वो सहमति तो कानून उसको सहमति नहीं मानता है। तो हमें जब हमने जैसे ही हमने सहमति, सर प्लीज़ बैठते जाइए, जैसे ही हमने सहमति कहा, उसका पारस उसका उसका उसके अंदर सहमति आ गई, उसका संबंध आ गया उसके अंदर, हमारा आधा दोष उसके ऊपर चला गया कि वो तो मिलजुल के किया दोनों ने, एलोपमेंट है या पलायन है या विवाह है या कोई साथ में रहना है, तो ये आ गया कि वो दोनों लोग सहमति से रह रहे हैं, जबकि उसमें एक व्यक्ति नाबालिग है, उसकी सहमति
नगण्य है, उसकी सहमति इररेलीवेंट है और वहाँ पर दूसरे व्यक्ति के पूरा पूरा दोष है, लेकिन हमने पीड़ित को देश दे दिया जबकि उसकी गलती नहीं है, गलती अभियोजक की है इसके अंदर जिसने उसको परस्यू कर लिया उस काम के लिए। हमको पीड़ित या सर्वाइवर, विक्टिम या सर्वाइवर दे शब्दों का उपयोग करना है, हमको पीड़ित को कथित आरोपी के रूप में नहीं देखना है। और यदि हमने उसकी सहमति या उसके संबंध को हाईलाइट कर दिया तो हमने उसको आरोपी बना दिया, पार्टनर तो बना ही दिया कम से कम उसके ऊपर, है ना। तो नेक्स्ट करेंगे सर प्लीज। आपकी जो रिपोर्ट है जो आप छापने वाले हैं इस बाल यौन अपराध के संबंध में, बालकों के प्रति हुए लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में, उसके अंदर हमको जो जवाबदेह संस्थाएं हैं, जो संस्थान हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, मतलब जिनके पास सत्ता है या जिनके पास पावर है, जिनके पास ऑफिस है, जो उसके अंदर कुछ काम कर सकते थे, हमको उनको जवाबदेह बनाना है। हमको केवल उस अपराध को किसी चक्कर या कुछ सेक्स स्कैंडल या कोई सनसनीखेज इसके रूप में नहीं देखना है हमको, क्योंकि पत्रकार का काम है, मीडिया का काम है जो है उसको रिपोर्ट करना। तो जो है उसको रिपोर्ट करने के लिए अगर हम उसको सेंसनलाइज कर रहे हैं तो हम सही नहीं कर रहे। हमें उसे किसी चक्कर सेक्स स्कैंडल को नहीं देखना है, लैंगिक अपराध में बालक की सहमति के बारे में कोई संकेत भी नहीं करना है। हमको जवाबदेह लोगों से सवाल पूछना है, हमको संगठनों या संस्थानों से बात करनी है जो उसके लिए उत्तरदायी थे, जो रोक सकते थे हमको। हमको आपराधिक न्याय प्रणाली से बाहर निकल के सोचना है। हमको केवल जो मामले में उपलब्ध तथ्य हैं उससे बात नहीं करनी है, हमको इससे बाहर निकलना है कि हमारे समाज में जो बाल अपराध है या जो बालकों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराध हैं उसकी प्रासंगिकता क्या है। कहीं जैसे बाल विवाह है, तो बाल विवाह में यदि किसी की उम्र निर्धारित आयु से कम है तो एक तरीके से उसकी सहमति के बगैर अब उसके साथ यौन दुर्व्यवहार होने वाला है और ये बाल विवाह एक प्रथा है। तो हमको सामाजिक प्रासंगिकता में बाहर निकल के, उस प्रकरण से बाहर निकल के भी सोचना है और उन चीज़ों के बारे में भी हमको छापना है, उन पर ध्यान देना है। हमको सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो अपनी रिसर्च में हम कर लें। अगर हमने रिसर्च नहीं की तो वो एक वन ऑफ केस हो जाएगा, उससे अपराध की गंभीरता कम हो जाएगी। यदि आपने उसके अंदर उसको अच्छे से रिपोर्ट करते हुए अगर आपने सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी बताए तो आप उसको और हाईलाइट कर सकते हैं। बड़े बड़े प्रकरणों को देख सकते हैं, हमारे जब जिस जनरेशन में हम थे तब वो संजय चोपड़ा, गीता चोपड़ा का प्रकरण था रंगा बिल्ला वाला, अभी 10 साल पहले एक प्रकरण था दिल्ली गैंगरेप निर्भया का, अभी लेटेस्ट में एक कोलकाता का केस है, इसमें एडल्ट है जो पीड़ित विक्टिम थी, अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इन प्रकरणों से हम उनको रिपोर्ट करने के साथ साथ जब बाहर की चीज़ों को भी प्रभावित करते हैं। तो निर्भया के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आ गया, एक और प्रकरण था आसाराम बापू का, उसके बाद पॉक्सो केस आ गया, पॉक्सो एक्ट आ गया। तो अगर हम अच्छे से रिपोर्ट करेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को भी जांचेंगे, तो नीति निर्माताओं के ऊपर, संस्थानों के ऊपर, जवाबदेह लोगों के ऊपर दबाव बढ़ेगा और वो कुछ ना कुछ रेमिडियल काम करेंगे। नेक्स्ट करेंगे सर प्लीज। हमको केवल ये रिपोर्ट नहीं करना, हमें कई लेवल पर काम करना है। रिपोर्ट तो कर दी, कानून अपना काम करेगा, न्यायालय है, पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट है, हमको पुनर्वास पे काम करना है, हमको रोकथाम पे काम करना है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। जो सर्वाइवर है उसका पुनर्वास कैसे हो, रिहैबिलिटेशन कैसे हो, रोकथाम कैसे हो। हमको इसके लिए जो स्रोत विशेषज्ञ हैं जो बाल अधिकारों के लिए काम करते हैं, अधिवक्ता हैं, वकील हैं, मनोवैज्ञानिक काउंसलर्स हैं, जो बच्चे के पुनर्वास में भी काम कर सकते हैं और यदि उसको करने वाला जो है, जो जिसने वो अपराध किया है उसकी भी काउंसलिंग कराएं तो उसकी मनोदशा को समझ के हम रोकथाम के पहलुओं को एड्रेस कर सकते हैं। हम उसके अंदर हमेशा अपनी जो जानकारी है उसको आप विश्वसनीय स्रोतों से, विश्वसनीय संगठनों से, विशेषज्ञों से आप उसे क्रॉस टैली कर सकते हैं। आप उसको, आपका ध्यान केवल पुलिस और न्यायपालिका से ऊपर होना चाहिए। अगर आपने बता भी दिया कि इसको इस सेक्शन में बुक किया गया था तो वो सेक्शन तो किसी किताब में लिखा है, पुलिस ने भी लिखा है, न्यायपालिका ने भी लिखा हुआ है उसको, लेकिन अगर आपने कोई सामाजिक पहलू बताया उसके अंदर कि इसके पुनर्वास में ये सहायक हो सकता है, ये संस्थाएं हैं, ये व्यक्ति हैं जो इस पुनर्वास में काम करते हैं, तो कोई सर्वाइवर जिसको एड्रेस नहीं किया गया वो भी सहायता ले सकता है उससे। अच्छा, जब कभी भी आप ऐसे केस में पीड़ित से इंटरव्यू करने जाएं तो किसी विश्वसनीय संगठन या किसी व्यक्ति को साथ में ले जाएं जो परिवार को जानता हो, उससे आपकी जानकारी भी ऑथेंटिक होगी और परिवार से आपका जो एनकाउंटर होगा, जो आपका उससे वार्तालाप होगा, उसके अंदर भी थोड़ा पैसिफाई हो जाएगा वो, क्यों एक जानकार बीच में रहेगा। आप सारे प्रश्नों को लेकर के सीधे पीड़ित पर या सीधे परिवार के पास जाएंगे, आपको जवाब भी कम मिलेंगे और उसके अंदर पूरी जो आप कवर करना चाहते हैं वो भी कम होगी।
है ना, विशिष्ट प्रश्नों को आप यौन अपराध को डील लिख रहे हैं आप, तो विशिष्ट प्रश्नों को पीड़ित परिवार से पूछने से पहले आप थोड़ी रिसर्च कर लें, FIR को पढ़ लें, और अखबार में FIR को कभी ना छापे, मेरा निवेदन है। FIR के अंदर कुछ तथ्य ऐसे होते हैं कि वो आया, उसने ऐसा किया, उसके बाद ऐसा किया, जिसमें उस बच्चे की निजता, उस बच्चे की पहचान, या महिला के केस में उसके उसके उसकी गरिमा, वो उस FIR की भाषा में कहीं आहत हो रही होती है, तो वो केवल पुलिस के लिए है। अगर आपने पहले से पढ़ लिए है सॉरी, और आपने वो सवाल जवाब विशिष्ट प्रश्नों को अगर आपने एड्रेस कर लिया, तो आप उसको अच्छे से छाप पाएंगे, अच्छे से प्रकाशित कर पाएंगे, और उस अपराध से बाहर निकल के जो दूसरे पहलू है उनको भी आप एड्रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट करेंगे प्लीज। हाँ, पीड़ित से बात, कभी अगर नाबालिग है, नाबालिगी है, तो पीड़ित से बात करने से पहले उसके माता पिता या उसके विश्वसनीय कोई वयस्क को जिस पर उसको भरोसा हो, या कोई संगठन हो, उनके साथ जाएं, उनकी सहमति ले लें। पीड़ित के माता पिता के से संपर्क किए बगैर सीधे नाबालिग के संपर्क न करें, कभी आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर नाबालिग ने कुछ और कहा कि इन्होंने मेरे से ऐसा पूछा, तो हो सकता है कोई कानून का उल्लंघन हो रहा हो। आप केवल यौन अपराध की प्रकृति पर ध्यान न दें, सीरियल किलर है, सीरियल रेपिस्ट है, इस पर आप केवल अपराध की प्रकृति पर ध्यान न देते हुए अगर आप अच्छे बिहेवियर प्रोसेस पर ध्यान देंगे ना, तो आप उस अपराधी को जल्दी पकड़वा पाएंगे। क्योंकि आपने अगर अपराध पर फोकस किया तो वो इस एक अपराध का होके रह जाएगा, लेकिन अगर आपने उसके प्रकृति पर अगर फोकस कर लिया, तो आप समाज को एक संदेश भी दे पाएंगे, है ना। और हमेशा हर स्तर के, छोटे स्तर के, आप मीडिया में आएंगे, आपको हाई प्रोफाइल केसेस भी मिलेंगे, आपको बहुत बहुत उच्च पदों पर बैठे हुए उच्च वर्ग के लोगों के प्रकरण भी मिलेंगे, पीडोफाइल भी मिलेंगे आपके अंदर, जो बच्चों के साथ इस प्रकार का काम करते हैं। तो इसको कभी भी किसी गरीब या लो सोशो इकोनॉमिक तबके के या किसी विशेष तबके के अपराधों के बारे में संज्ञान न दें, न विचार बनाएं, और अगर हाई प्रोफाइल केस है तो उसको भी उतना ही हाईलाइट करें। नेक्स्ट करें सर प्लीज। अब हम कुछ अखबार की खबरें की कटिंग देख रहे हैं, है ना। मैंने अखबार की कटिंगें भी थी नहीं लगाई हैं, उससे अखबार का नाम, हम प्रचार करने के लिए तो आए नहीं ना यहाँ कि किसी का दुष्प्रचार करें, लेकिन जो छपा है वो बताता हूँ, आप देखिए। करेंगे सर प्लीज। एक खबर देखिए, लिखा है चार बच्चों की माँ प्रेमी संग भागी। इसमें दो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आपने सारा का सारा दोष उस महिला पर डाल दिया, चार बच्चों की माँ पर, जबकि एलोपमेंट करने वाले लोग दो हैं, है ना। यहाँ पर ये हो गया कि माँ मुख्य है, वो सप्लीमेंट्री है, जबकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। और उससे बड़ी बात, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, आपने चार बच्चों को इसके अंदर जबरदस्ती ठूस दिया। वो दो लोगों की आपसी सहमति या जो कुछ भी था, उसका एक था एडल्ट थे अगर वो, है ना, आपने इसमें चार बच्चों को डाल दिया, और हो सकता है कि इसके अंदर कहीं बच्चे की कोई पहचान या उस महिला की कोई पहचान उजागर हो गई, बच्चे की उजागर हो गई, उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, है ना। दूसरा देखेंगे सर, एक और, पत्नी से झगड़े के बाद पति ने की आत्महत्या। पति की आत्महत्या का सारा ओनस पत्नी के ऊपर आ चुका है अभी, है ना, जबकि झगड़ा दोनों के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट करेंगे सर, आशिक के साथ मिल पति की हत्या कर फरार हुई। हम साधारण सनसनी खेज ना बना करके इसको लिख सकते हैं कि प्रेम प्रसंग के चलते, विवाहेतर संबंध के चलते एक और अपराध घटित हुआ, एक मानव वध हुआ, है ना, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट करेंगे सर, देवर से प्रेम संबंध के चलते पति को छोड़ा। और नेक्स्ट करेंगे सर, एक और, गर्भ गिराने में दादी नानी है घरेलू सुख के, एम एन ग्वालियर ने पढ़ा, एक प्रतिष्ठित अखबार में पढ़ा है, एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार में, टॉप थ्री में आता है, है ना, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। गर्भ गिराने के दादी नानी के नुस्खे, घरेलू नुस्खे, उस युग में जब हमारे पास PCPNDT का कानून है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, उस युग में इस प्रकार का खबर छपना और चार पाँच छः बोल्ड में लिखना, ये करो ये करो ये करो, है ना। नेक्स्ट करेंगे सर, स्टेशन, ये भी ग्वालियर का अखबार है, ये थोड़ा सा सांध समाचार नाम हो जाता है किसी, सांध मतलब दैनिक, जो हाँ जो इवनिंग के जो आने वाले अखबार हैं, जो सप्ताह में आने वाले अखबार हैं, टेबलॉइड बोलते हैं जिनको, उस प्रकार के की मेन उसकी हेडलाइन है, स्टेशन बदरिया का माहौल बिगड़ा, कॉल गर्ल्स की आवाजाही से युवकों पर दुष्प्रभाव। ये नाबालिगों की बात कर रहे थे इस खबर के अंदर, युवकों पर दुष्प्रभाव, तो स्टेशन बदरिया में कॉल गर्ल्स की आवाजाही के समय वो वहाँ क्या कर रहे थे, वो भी तो नाबालिग है, उनको अपनी जगह पर होना चाहिए था। तो इसमें भी सारा का सारा दोष आपने किसी और पर मर दिया है। नेक्स्ट, अच्छा ये देखिए, महिलाओं के साथ घटित अपराधों में हम क्या क्या स्केच लगाते हैं, एक वो देखिए, उसको हमने बिल्कुल क्या बिल्कुल दयनीय स्थिति। नेक्स्ट देखेंगे सर, इस तरफ आ जाएगा, ये तो रोज छप रहा है अखबार में,
किसी भी बड़े से बड़े दिल्ली के अखबार में, अंग्रेजी के अखबार में से लिया है मैंने इसको, ये रोज छप रहा है अखबार में कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के साथ उसको किस प्रकार से डेपिक्ट कर रहे हैं हम, शिकंजा कस रहा है वो, डर रही है। तो जब वो डर रही है और शिकंजा आ रहा है तो वो कब विरोध करेगी, कब मीडिया उसके लिए खड़ा होगा, ये तो और उसे नीचे गिरा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे सर, एक और देख लेते हैं, मुंह छुपा रही है वो। मुंह छुपाने का काम तो उन्होंने किया जिनमें से एक आदमी ने तिहाड़ में आत्महत्या कर ली, निर्भया केस में, वो नहीं झेल पाया इतनी बेइज्जती को, उसने आत्महत्या कर ली है ना, तो उसको मुंह छुपाना था। यहाँ इसका नेक्स्ट करेंगे सर, महिलाओं के संबंध में भी हम जैसे बच्चों की बात कर रहे थे, महिलाओं के पास भी अधिकार है, उनके लिए अलग से कानून है, उनके लिए कानूनों में अलग से प्रावधान है, और यहाँ भी लड़कियों के साथ साथ महिलाओं को भी उनकी लिंग आधारित भूमिकाओं से परे हमको महत्व देना है। आपको महिलाओं से के अपराधों के खुलासा करना है, उनकी महिला अपराधों की रिपोर्टिंग को भी बढ़ाना, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रिपोर्टिंग को आपको बढ़ावा देना है, सकारात्मक सोच व अनुशासित भाषा में रिपोर्टिंग करनी है ना, चार बच्चों की माँ प्रेमी संग भागी, नारी की गरिमा और सम्मान को प्रोत्साहित करना है हमको, हमारे संविधान में भी लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में टू डिनाउंस दी प्रैक्टिसेस विच आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल होने वाले कार्य और व्यवहारों को हमको त्यागना है हमको, है ना, चाहे वो गाली गलौज हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे कुछ भी हो हमको, है ना। और IPC की धारा 228 ए, अब इसके कोई समकक्ष भाषा आ गई होगी, मैं उसको अगले प्रेजेंटेशन में अपडेट कर दूंगा BNS में, लेकिन वो यौन उत्पीड़न पीड़िता की पहचान को उजागर करने के लगती है और उसके अंदर सजा भी है, जुर्माना भी है। 228 ए को आप देख लीजिए, अभी थोड़ा आगे फिर से दोबारा आएगी है। नेक्स्ट करिए सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आम नागरिक जैसे हम और आप हैं, कई बार एक्टिविस्ट या कार्यकर्ता, कई बार नेता, पत्रकार अति उत्साह में किसी अपराध से पीड़ित किसी बच्चे को, मैं सारी बच्चों की बात कर रहा हूँ अभी, अपराध से पीड़ित किसी आपराधिक गतिविधि का गवाह, यानी वो चाइल्ड है लेकिन वो गवाह है, किसी उसने विधि विरोध किया है, एडल्ट के साथ मिलकर किया है या अकेले में किया है, वो विधि विरोधी है, निर्धनता के कारण वो भीख मांग रहा है, अज्ञानता के कारण वो नशा कर रहा है ना, या वो डिसेबल्ड है ना, तो हमको तो दया है, करुणा है, लेकिन हमने उसके उसकी पहचान को उजागर कर दिया, तो संवैधानिक एक प्रावधान है, निजता का उल्लंघन उसका हो गया। और दूसरा, कुछ कानूनों के तहत भी बच्चे की जानकारी को किसी भी माध्यम से सार्वजनिक करना अपराध है, और उसके लिए कुछ दंडों के प्रावधान भी है। नेक्स्ट करेंगे सर, देखिएगा, कोई भी व्यक्ति किसी अपराध से पीड़ित नाबालिग, किसी अपराध के साक्षी नाबालिग, किसी अपराध को करने वाले नाबालिग बच्चे की पहचान को समाचार पत्र, पत्रिका, वीडियो, ऑडियो के माध्यम से उसकी पहचान, उसका चित्र, फोटो, उसके स्कूल, उसके निवास का नाम सार्वजनिक नहीं करेगा, न ही प्रकट करेगा। किस विशेष परिस्थितियों में बोर्ड न्यायालय की अनुमति से बच्चे के हित में सार्वजनिक किया जाता है, विशेष हित हो सकता है कि हमको उसके बायोलॉजिकल फैमिली को ढूंढना है, ये हो सकता है कि उसके सार्वजनिक करने से अपराधी को पकड़ सकते हैं हम, या तो बच्चे का कोई पुनर्वास की रेमेडी को ढूंढ रहे हैं हम, उसके परिवार को, उसके मिलने वालों को ढूंढ रहे हैं, या हम अपराधी को ढूंढ रहे हैं, तो वो भी कोर्ट की अनुमति से, अदरवाइज हम उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक कानून कह रहा है जिसे कहते हैं किशोर न्याय अधिनियम, जुविनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 74। नेक्स्ट करेंगे सर, ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, JJ एक्ट का सेक्शन 74। JJ एक्ट 2015 में बना और अभी 2021 में संशोधन हुआ, उसके अंदर एक्ट का नाम यही है, सेक्शन 74, ऐसे के ऐसे ही लिखता है। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने गलती से भी ऐसा कर दिया या जानबूझ के कर दिया, ओमिशन और कमीशन, नेक्स्ट देखेंगे, तो उस पर देखिए दंड का प्रावधान है, पहचान सार्वजनिक करने पर धारा 74 के उल्लंघन में 6 माह का कारावास या 2,00,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, है ना, 2,00,000 रुपये तक का जुर्माना है वो, है ना। ग्वालियर में एक बड़े अखबार पर एक सक्षम न्यायालय ने सबसे छोटा 500 रुपये का जुर्माना लगाया है, और कुछ अखबारों के ऊपर नोटिसेस सर्व भी हुए, एक आध अखबार के ऊपर एक सक्षम न्यायालय या बोर्ड में अभी कार्य चल रहा है पिछले कुछ सालों से, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा सब जगह कहीं होता नहीं है, मैंने ग्वालियर का नाम लिया, हम किसी प्रकरण की या किसी अखबार की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये ग्वालियर में हुआ है। नेक्स्ट करेंगे सर, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया, सोशल, मास, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी मीडिया में
फोटो चित्रण स्टूडियो संबंधी सुविधाओं में बालक के संबंध में रिपोर्ट या उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी ख्याति का हनन होता हो, है ना, मानहानि या उसकी निजता या प्राइवेसी का उल्लंघन होता हो। किसी मीडिया रिपोर्ट में बालक की पहचान जिसके अंदर उसका नाम, पता, निवास, स्कूल का पता, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस, अन्य विशिष्ट तत्व जिससे उसकी पहचान का प्रकटन होता हो, वो नहीं करेगा। ग्वालियर में एक प्रतिष्ठित स्कूल में, पब्लिक स्कूल में एक बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ, कक्षा 2-3 के बच्चे के साथ, बच्चे का मतलब मैं बालक कह रहा हूँ, बालक बालिका दोनों हो सकते हैं उसके अंदर, एक छोटे बच्चे के साथ स्कूल के किसी सपोर्ट स्टाफ ने कोई यौन दुर्व्यवहार किया, उसकी मीडिया रिपोर्ट छापी गई, उसमें लिखा था, स्कूल का नाम था, बकायदा स्कूल का नाम था, कक्षा का नाम था, बच्चे का नाम नहीं था, उसमें लिखा था फॉर एग्जाम्पल XYZ किड्स स्कूल के कक्षा 3 के बच्चे के साथ वहाँ के माली ने यौन दुर्व्यवहार किया, बच्चे का पिता, सब काल्पनिक है जो बोल रहा हूँ मैं, कुशवाहा मोहल्ले के पास रहता है, उसकी बिजली की दुकान है, बच्चा कक्षा 3 में पढ़ता है, ये सब छाप दिया उसके अंदर, सिर्फ नाम नहीं छापा, बाकी सारी जन्मपत्री उसके अंदर थी, बच्चा आइडेंटिफाई हो सकता है, स्कूल का नाम छप गया, बाकी बच्चे उस बच्चे से क्या कहेंगे, बाकी पेरेंट्स क्या करेंगे, आपने सब कुछ, नाम ही नहीं छापा आपने, लेकिन बाकी सब कुछ छाप दिया जिससे उसकी पहचान उजागर हो गई। ये भी किसी कानून में लिखे हैं दोनों प्रावधान। देखिए क्या कानून, बहुत ही फेमस, कुछ भी हो सकता है, वो 10 लाख रुपए आपसे लेके बच्चे को भी दे सकते हैं, ठीक है ना, तो ये उससे भी कठोर हो गया, इसके अंदर जुर्माना की भी इनडेफिनेट हो गया और सजा भी बढ़ गई। तो ये दोनों अधिनियम हमने देख लिए, 228A भी देख लिया। चलिए सर नेक्स्ट करते हैं, अब आपको बड़े बड़े प्रकरणों के बारे में बता दें, पढ़ ले साहब आप। एक तो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, कुछ लोग नहीं आए उससे पहले, वो इंदौर का ही था, मध्य प्रदेश का था, ये राजस्थान के बीकानेर का है, अखबार देख लीजिए, देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार हो सकता है। अच्छा, ये न्यूज़ लॉन्ड्री से उठाया है मैंने, नीचे लिखा है सोर्स कट सी न्यूज़ लॉन्ड्री, जो अंग्रेजी में लिखा है दैनिक भास्कर MD जर्नलिस्ट बुक्ड अंडर पॉक्सो फॉर रिवीलिंग माइनर आइडेंटिटी, ये ऊपर हिंदी में लिख दिया है मैंने। और समाचार ये है कि बीकानेर में इसी साल 4 मई को IPC की धारा 28 भी लिखा है, मैंने बोल्ड में कर दिया है, किशोर न्याय की धारा 74, पॉक्सो की 23, और इसमें लिखे नाम भी लिखे हुए, 1, 2 ब्यूरो चीफ, 3 संपादक, 4 रिपोर्टर, 5 6-7 लोग हैं इसके अंदर। और कुछ छोटी सी बात थी, कोई एक नाबालिग था और शायद कोई प्रेम का प्रसंग था, उसके बारे में नहीं पता हमको कि वो जो द गर्ल इन क्वेश्चन वो बड़ी थी कि छोटी थी, हमें नहीं पता। प्रकरण ये था कि इन्होंने बाद में वो उसमें कुछ राजस्थान है, फिर वहाँ हत्या हो गई, डबल मर्डर हो गया, तो आरोप इस बच्चे के ऊपर आ गया, इसके परिवार पे आ गया, उनने सब कुछ छाप दिया उसके अंदर। और बाद में कोर्ट में पाया गया कि वो गलत था, वो झूठी पाई गई वो रिपोर्ट, और छप गया था, तो फिर सजा हुई इन लोगों को। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, ये दैनिक भास्कर का प्रिंट, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का देख लीजिए, 2013 का कोई आसाराम वाला केस है, इसमें 8 लोग हैं, नाम भी लिखा हुआ है, 7 अन्य है ना, ये सारे लोग हैं जितने सारे यहाँ लिखे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, TV पर आप इनको देखते हैं। अदालत ने 2013 के मामले में 8 मीडिया प्रोफेशनल्स को पॉक्सो के अंदर बुक किया है, वही है उसके अंदर 120B, 469, 471, 67B, ये IT एक्ट भी आ गया, पॉक्सो की 13 और 13C, 13C कहता है पोर्नोग्राफी के लिए बच्चे का उपयोग करना, इन्होंने कोई रिपोर्ट में ग्राफिक्स दिखाए थे जिसको बच्चे का जोड़ के देखा जाने लगा, ठीक है ना, उन पर बच्चे के एडिटेड, मैंने संपादित लिखा है, एडिटेड और पॉर्न वीडियो प्रसारित करने, अश्लील पॉर्न तो नहीं था वो एक तरीके से, लेकिन अश्लील था उसका कंटेंट, अश्लील था उसका जो प्रेजेंटेशन था वो अश्लील था, इसलिए उनको आरोप लगाया गया और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है अभी, है ना। नेक्स्ट कर देंगे सर, तो देखिए परिवर्तन तो संभव है, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन, सोशल चेंज और बिहेवियर चेंज एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत चैलेंजेस हैं, और जब हम सोशल चेंज लाने के लिए जाते हैं तो आपको सिस्टम के अंदर और सिस्टम के बाहर दोनों जगह कन्वर्जेंस की बहुत ज़रूरत है आपको, जो आप लोग काम कर रहे हैं वो, और कन्वर्जेंस में बहुत सारे लोग आपको लगेंगे, बाल अधिकार कार्यकर्ता, वकील, पत्रकार, मीडिया, अलग अलग मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सरकार, DCPU, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, CWC समिति, बोर्ड, न्यायालय, पुलिस, काउंसलर्स, रिहेबिलिटेशन वाले लोग, है ना, डिसेबिलिटी वाले लोग, छोटे बच्चे हैं तो थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइन लैंग्वेज, पीड़ित गूंगा बहरा भी हो सकता है, हो सकती है, तो बहुत सारे लोगों का आपको कन्वर्जेंस की ज़रूरत है।
और यहाँ पर आपको एक साथ काम करने वाले जो पत्रकार हैं, जो जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं, एनफोर्समेंट एजेंसी है, सेवा प्रदाता है ना, लॉ एनफोर्समेंट है, न्याय, इन सब के साथ आपको इन सब में से किसी ना किसी का किसी लेवल पर आपको विरोध या प्रतिरोध सामना करना पड़ सकता है। आपको चैलेंजिंग है ये जॉब बहुत। इस सब के बावजूद अगर आप अधिक भावना से काम करेंगे तो परिवर्तन संभव है, बिल्कुल संभव है, परिवर्तन हम ला सकते हैं, है ना। वो एक किसी शायर ने कहा है, वो सुबह कभी तो आएगी, और बाद में उसने ये भी कहा है कि वो सुबह हम ही से आएगी, है ना, वो सुबह हम ही से आएगी, तो हम मिलकर ला सकते हैं इसको। नेक्स्ट करेंगे सर, आपने बहुत ध्यान से सुना है, आपके बहमूल सुझाव और प्रश्न जो हैं वो अपेक्षित हैं, और अभी हम एक अगर चाय नाश्ता होगा तो इनफॉर्मल चर्चा भी है और फॉर्मल भी है। थैंक यू वेरी मच। एक और क्लिक कर दीजिए सर। थैंक यू।